मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली दौरे पर है, जहां सीएम गहलोत द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं सीएम गहलोत मंगलवार को भी दिल्ली में ही रहेंगे। दरअसल कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करेगी, ऐसे में ईडी की इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का सत्याग्रह है। वहीं सीएम गहलोत भी इस सत्याग्रह में शामिल होंगे। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। दिनेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर हैं आज और कल, दो दिन दिल्ली का कार्यक्रम है, क्या कुछ अपडेट? जी, कल रात को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए थे और आज चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे, तो इसलिए आज कल रात को ही दिल्ली पहुंच गए थे। और इसके साथ ही कल सोनिया गांधी भी ईडी की फिर पूछताछ होगी, तो इसको लेकर ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है देश भर में। दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे, तो आगामी जो कार्यक्रम है वो अभी तक कब तक उनका दिल्ली रहने का है वो तय नहीं है, लेकिन जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है सोनिया गांधी से उनकी पूछताछ को लेकर, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, इस कार्रवाई का विरोध कर रही है, तो इसमें दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे और उसका विरोध का जो कार्यक्रम है, सत्याग्रह का कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने का उनका कार्यक्रम है, तब तक वो दिल्ली में ही रहेंगे। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना, जिन्होंने बताया कि दो दिन दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे, इस दौरान राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे, तो साथ ही साथ ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस द्वारा आयोजित सत्याग्रह में भी शामिल होंगे।